हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं क्रिकेट की। जनाब, वनडे डेब्यू नहीं करने वाले तिलक वर्मा नंबर 4 के लिए क्यों है बेस्ट? दिनेश कार्तिक ने बताई है सच्चाई। जनाब, वनडे विश्व कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या नंबर 4 की बैटिंग पोजीशन बनी हुई है, जिसका अभी तक कोई समाधान निकल नहीं पाया है। जनाब, एशिया कप 2023 के लिए बीते दिन ही भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हो चुकी है। ऐसे में चोट से उभरने के बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर को विश्व कप के लिए नंबर 4 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने नंबर 4 की पोजीशन के लिए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को सबसे बेस्ट माना है। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कॉमर्शियल शूट के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। जनाब, दरअसल एशिया कप के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर रहे तिलक वर्मा का नाम रहा है, जिन्होंने अभी तक वनडे में डेब्यू नहीं किया है और उन्हें एशिया कप के लिए टीम में चुना गया है। भारतीय टीम में मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है। इस बीच दिनेश कार्तिक ने तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि विश्व कप 2023 के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर तिलक वर्मा को मौका मिलना चाहिए। बता दें कि आईपीएल 2023 में तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 343 रन बनाए थे। इसके बाद वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 सीरीज में उन्हें डेब्यू का मौका मिला। 20 साल की उम्र में तिलक वर्मा ने टी20 मैच में 173 रन बनाए और हर किसी को अपने खेल से प्रभावित किया है। उन्होंने अपने धासु परफॉर्मेंस से विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। जनाब, दिनेश कार्तिक ने तिलक वर्मा को लेकर कहा कि मैं तिलक का खेल देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने खेल में अलग अलग स्वभाव है। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ एक मैच में शानदार तरीके से मैच फिनिशर की भूमिका में देखा गया। खास तौर पर वह ऑफ स्पिन जोड़ सकता है और हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अपना हाथ घुमा सके, जिससे वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा खास बन सकता है। तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक ने बोल दिया है कि वर्ल्ड कप में आप नंबर 4 पर तिलक वर्मा को मौका दीजिए। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जनाब, जय हिंद, जय भारत।